नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय के दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें विस्तार से आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को एक साल पूरा हो चुका है, क्या आप लोगों के अनुसार इस दौरान मोदी सरकार ने अच्छा किया या फिर विपक्ष ने? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फटाफट कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े बता दें। बात करते हैं भारत की, तो अभी कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के हो गई है 1,65,799, जिनमें से 71,106 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से 4,706 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस से। तो वहीं दोस्तों बात करें दुनिया भर की, यहां पर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई है 58,67,727 पर, जिनमें से 24,62,386 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और 3,62,238 लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है अब तक कोरोना वायरस से। ये दोस्तों कुछ ताजा आंकड़े सामने निकल के आए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, जमातियों के खिलाफ केस पर केस, लेकिन नमस्ते ट्रंप कराने वालों का आखिर क्या? पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रहे यशवंत सिन्हा का निशाना आप लोगों को दोस्तों बताते चले। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए तबलीगी जमात पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में कराया, जिससे कोरोना का संक्रमण और भी फैल गया। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा है कि गुजरात में कोरोना का संक्रमण फैलने का कारण सीधे तौर पर अहमदाबाद में ट्रंप के इवेंट हैं, जहां दुनिया भर से बड़ी तादाद में NRI जुटे थे। यहां होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, मीडिया इस पक्ष को नजरअंदाज कर रहा है। ये यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रही यशवंत सिन्हा ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की याचिका पर अब 2 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत करने का निर्देश केंद्र को दिए जाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 जून को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि भारत शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करता है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक की बीजेपी सरकार की बढ़ने वाली है मुश्किलें। सीएम येदुरप्पा से नाराज हुए उनके 20 विधायक, पार्टी में मची हलचल। आइए बताते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। कोरोना संकट से जूझ रही कर्नाटक सरकार के लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं, ऐसी खबर है कि सीएम BS येदुरप्पा से उन्हीं के पार्टी के 20 MLA काफी नाराज चल रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कोई एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबरों के अनुसार आप लोगों को बताते चलें, उत्तर कर्नाटक के 20 विधायक येदुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि ये सब उमेश कुट्टी के समर्थक हैं, जो कि मौजूदा सरकार में कुट्टी को कोई भी पद ना दिए जाने से काफी खफा चल रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कहा यह भी जा रहा है कि ये नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने अपनी बहन के पोते NR संतोष को अपना राजनीतिक सचिव अपॉइंट किया है। इस नियुक्ति के बाद संतोष को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। उनकी अचानक हुई इस नियुक्ति से विधायकों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। खबर यह भी है कि नाराज विधायकों ने CM के खिलाफ पार्टी के हाई कमान से मिलकर शिकायत करने की योजना भी बनाई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार की आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किलें। सीएम येदुरप्पा के खिलाफ उनके ही 20 विधायकों ने खोल दिया है मोर्चा। तो भाई दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अर्णब गोस्वामी का चैनल आर भारत समाचार चैनल है या फिर सर्कस? आइए जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। अर्णब गोस्वामी अब इस टीवी डिबेट को लेकर के हुए ट्रोल, भारत पाकिस्तान से जुड़ा है मामला। यूजर बोले, टिड्डी की फौज तो न्यूज चैनल पर है,
आप लोगों को बताते चले, रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल और उसके प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी ट्विटर पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। रिपब्लिक भारत चैनल के एक डिबेट का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया है। ये टीवी डिबेट भारत और पाकिस्तान को लेकर के चल रहा है। टीवी पर एक ओर से भारत के प्रवक्ता बैठे हैं और दूसरी ओर से पाकिस्तान के प्रवक्ता। वायरल वीडियो क्लिप में टीवी पर दो विंडो दिख रहे हैं। भारत की ओर से डिबेट में बैठे शख्स के विंडो में लिखा है फिर पिटा पाकिस्तान, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से डिबेट में बैठे शख्स के विंडो में लिखा है पाकिस्तान से लाइट। वीडियो क्लिप में भारत पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से बैठे शख्स एक दूसरे को हथियार दिखा रहे हैं। ट्विटर पर लोग इसे वर्चुअल फाइट का नाम दे रहे हैं। वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद ट्विटर पर रिपब्लिक भारत चैनल और अर्णब गोस्वामी ट्रेंड में आ गए। ट्विटर यूजर्स उनको जमकर के ट्रोल करने लगे। आकाश बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा टिट्टी की फौज तो न्यूज चैनल पर है, तो वहीं दोस्तों फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने लिखा है कि ये उनके लिए है जो कॉमेडी सर्कस चाहते थे। तो वहीं कांग्रेस के नेता श्रीवास्तव ने लिखा कि भारतीय पत्रकारिता जगत में अर्णब से बड़ा कोई भी मूर्ख नहीं है, सबसे बड़ा मूर्ख अर्णब ही है। ये यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहना है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता ने लिखा कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और देखो गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अपने ही चैनल पर टीवी डिबेट को लेकर के जमकर के ट्रोल हुए हैं अर्णब गोस्वामी, और लोगों ने लगा दी है यहां पर क्लास और कहा है कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल कम है, सर्कस ज्यादा है, कॉमेडी ज्यादा करता है। ये यहां पर कहना है लोगों का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, भोपाल में फिर लगे सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर। कांग्रेस ने पूछा कहां है साध्वी। आप लोगों को बताते चले मध्य प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वॉर चल रहा है। राजधानी भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लापता होने का फिर पोस्टर लगा हुआ नजर आया। प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के ये पोस्टर बीजेपी ऑफिस के आसपास लगाए गए हैं। कांग्रेस ने पूछा सांसद आखिर हैं कहां। कांग्रेस ने भी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि संकट के समय में साध्वी नजर नहीं आ रही है, जबकि दिग्विजय सिंह लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, इसलिए असली साधु दिग्विजय सिंह ही हैं। ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। तो भाई दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई, 48 घंटे में 9 लोगों की मौत हो गई, रेल मंत्री आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। ट्रेनों के रास्ता भटकने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्र सरकार के काम पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर पर प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब तक 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक चुकी हैं, पिछले 48 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी रेल मंत्री पीयूष गोयल इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। ये यहां पर सुरजेवाला ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भारत चीन सीमा विवाद, केंद्र की चुप्पी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा अटकलों पर लगाएं विराम। लद्दाख और सिक्किम में भारत चीन के बीच तनातनी को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर केंद्र सरकार की चुप्पी कई अटकलों को जन्म दे रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत चीन के बीच विवाद को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्र सरकार को सफाई देने की बहुत जरूरत है। ये यहां पर राहुल गांधी का कहना है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया नई पाबंदियों का ऐलान, WHO से भी तोड़ा नाता। आप लोगों को बताते चलें, पहले कोरोना वायरस और अब हांगकांग को लेकर बिफरे अमेरिका ने चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर चीनी कब्जे का आरोप लगाते हुए इस UN स्वास्थ्य संस्था से अमेरिका के रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं चीन के खिलाफ नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया है ट्रंप ने। इसमें हांगकांग में प्रशासन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के अमेरिका आवाजाही पर पाबंदियां लागू करने के साथ ही कई रियायतों को खत्म करने की घोषणा की गई है ट्रंप के द्वारा।
तो वहीं अमेरिका ने WHO से अपने सारे संबंधों को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के इशारे पर चल रहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार के आर्थिक प्रबंधन की कहानी बयां कर रही है जीडीपी में गिरावट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर में कमी को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि यह गिरावट भाजपा सरकार के आर्थिक प्रबंधन की कहानी बयां कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, हमारा आकलन था कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी 4% के नीचे रहेगी, यह और भी खराब स्थिति में रही और 3.1% पर लुढ़क गई। उन्होंने कहा कि याद रखिए यह स्थिति लॉकडाउन के पहले की है, चौथी तिमाही के 91 दिनों में से सिर्फ 7 दिन ही लॉकडाउन में पड़े हैं। यह भाजपा सरकार के आर्थिक प्रबंधन की कहानी बयां कर रहा है। गौरतलब है कि जीडीपी की वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में घटकर 3.1% पर आ गई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ चुके हैं। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ 4.2% पर रही, यह करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी ग्रोथ इस स्तर के नीचे गई थी। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, तेज प्रताप बोले नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं। राबड़ी ने कहा बिहार में गुंडों की है सरकार। आप लोगों को बताते चले, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। गोपालगंज जाने की कोशिश कर रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में गुंडों की सरकार है, इसलिए हम लोगों को घर में घेर कर रखा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पूरे बिहार में दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं, एक घर से 3-3 लोगों को मारा जा रहा है, ये गुंडा सरकार सोई हुई है। सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। जब गोपालगंज में मर्डर हुआ तब 1000 मोटरसाइकिल का काफिला निकाला गया, तब यह उल्लंघन नहीं था क्या? तो वहीं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया है, यहां तक कि नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ से हत्या करने का काम किया, तो मेन गुंडे तो वही हुए, नीतीश कुमार जी पर भी हत्या का आरोप है। आज के समय में नीतीश कुमार डॉन बने हुए हैं, ऐसे डॉन हैं जो अपने छोटे गुंडों को संरक्षित किए हुए हैं। ये यहां पर तेज प्रताप यादव ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, सरकारी दफ्तरों में 70% स्टाफ के साथ होगा काम। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 1 जून से राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि जून के दूसरे हफ्ते से सरकारी दफ्तरों में 70% स्टाफ काम करेगा। राज्य सरकार के कार्यालयों में कामकाज शुरू करने जैसे कई तरह की छूट देने की यहां पर घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।